जो भारत देश 2012 में एक एक मेडल के लिए तरसता था और पूरे देश की जनता टकटकी लगाकर देखती थी कि भारत की झोली में भी कोई मेडल आएगा, तब यह बात सपना होती थी। लेकिन 2014 के बाद खेल क्षेत्र में भारत ने इतिहास रचा, जिसका प्रमाण हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिला है, जहां भारत की झोली में 2 दर्जन के करीब गोल्ड मेडल आए हैं, जो अपने आप में देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खंड स्तरीय अंडर 19 छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में कही। हमीरपुर के विकास ठाकुर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने परिजनों, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि विषय को किस तरफ ले जाना है, नशे की तरफ या खेल के मैदान की तरफ। बहुत अच्छे शाबाश। याद करो 2012 के वो दिन जब ओलंपिक गेम्स हो रहे थे और 125 करोड़ का देश इंतजार कर रहा था कोई मेडल हमें भी मिले। एक भी मेडल हिंदुस्तान के नाम पर नहीं था। आप और हम सब बैठकर टेलीविजन पर सोचते थे क्या हो गया मेरे देश को, और फिर अचानक हरियाणा की 2 लड़कियों ने सिल्वर मेडल जीता, वो भी कुश्ती में। हम देश बड़े कर लेंगे, हम भी 2 मेडल लाए हैं। 2014 के बाद का परिवर्तन देखिए। हमीरपुर से आपका फैसला संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।